यार मैं अभी ना आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से ये गेट होगा इसका, ये वाला ना, यहाँ से हम आराम से, ये देखो कितना आराम से अंदर आ जाना है। और ये एक जो हमारा छोटे वाला था ना, वो भी देखो अब कितना खुला है, ये देखो बिल्कुल अंदर खुली ढुली जगह। हमारे पैरेट्स आराम से ब्रीडिंग करें, जो मर्जी करें, बिल्कुल खुली ढुली, इनको कोई मसला नहीं होगा, अपना आराम से उड़ भी सकते हैं, मतलब उनका दिल करे। नीचे कितनी प्यारी जगह बनी हुई है, खुली ढुली, मिट्टी शिट्टी डली है वीआईपी। यहाँ पे इनके नेस्टिंग बॉक्स लग जाएंगे ये पूरी दीवार पे। और मैंने जो सोचा हुआ ना कि इस दीवार का हम कलर भी चेंज कराएंगे, उस दीवार का कलर भी चेंज कराएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज देखें मुल्तान में कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, और हमारा काम जो रुका पड़ा था सर्दी की वजह से वो अब स्टार्ट हो गया है। ये देखो यार भाई आ गए हैं, ये पता क्या करने वाले हैं, मैं आपको पहले चल के दिखाता हूँ ये क्या करने वाले हैं। ये आपको तार नज़र आ रही होगी, ये वाली तार ना, ये यहाँ पे सारी की वेल्ड कर रहे हैं, ये यहाँ पे पूरी दीवार। पहले हमने इसके ऊपर सारे शीशे लगवा दिए हैं, अब इसके ऊपर तार लगवा रहे हैं ताकि हमारी मतलब दीवार, मतलब हमारा जो जू बनेगा वो फुल सेफ हो जाए। और आज ये वाले भाई ने भी आना है, और इसके ऊपर जो हमने पहले एरे बनवा दिए थे उसके ऊपर सारे केज लग जाएंगे। केज हमारे रेडी हो ही पड़े हैं दुकान के ऊपर, उन्होंने कहा था कि मतलब मैं आज आ जाऊँगा, अभी हम बस उनका वेट कर रहे हैं, वो जैसे आते हैं और वो काम स्टार्ट कर देंगे। तो यार ये देखो, ये जैसे पहले यहाँ पे राड लगे हुए थे ना, तो अब बिल्कुल हम राड वैसे दरवाजे के ऊपर भी लगवा रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फासला था, तो भाई ने कहा पहले यहाँ पे मैं राड लगा देता हूँ, उसके बाद तार लगा दूंगा। तो यार ये देखो दरवाजे के ऊपर भी ना दो एंगलें लग गई हैं, जिस तरह ना दीवार पे लगी हुई हैं। अब मैंने भाई को कहा कि ना इनके एक दरमियान में भी ना बिल्कुल ऐसे एक एंगल लगा के ना सेट कर दें, ताकि ये मजबूत हो जाए, अभी ये वही लगाने लगे हैं। तो यार ये देखो अभी ना दो भाई ऊपर चढ़ गए हैं, उन्होंने ना एक पहली तार ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, पहली तार वेल्ड भी कर दी है। और ये देखो ये अभी काम हो रहा है सारा वेल्डिंग का ना। तो यार ये तार वगैरह का काम भाई लोग ना करके कंप्लीट करके इसको चले गए। ये देखो दरवाजे के ऊपर इन्होंने किस तरह का ना बना दिया, मतलब अब अंदर कोई भी नहीं आ सकता, ये पूरी तार लगी है। पहले दीवार के ऊपर इन्होंने ना शीशे लगाए हैं, शीशे के ऊपर फिर इन्होंने ये सारी तार लगा दी है, उसके बाद ये सारा काम मतलब कंप्लीट करके ना चले गए। और उसके बाद ना मैंने इसकी पूरी सफाई भी करा ली है, ये देखो बिल्कुल अब आपको साफ़ सुथरा लग रहा होगा। ये भी अंदर से सफाई वही करा करोगे ना, वो पिंजरे वाले अंकल अभी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। और इसके अंदर भी मैंने सारा कुछ सफाई सफुई करा ली है, बिल्कुल मतलब क्लीन करा के ना इसको अब छोड़ दिया। अब 10 मिनट में उन्होंने हमें कॉल पे बताया कि ना मतलब वो आ रहे हैं, तो वो आके काम करेंगे अपना फिर। तो यार अभी ना बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे 10 मिनट तक आते हैं ना, उन्होंने आके ना फिर यहाँ पे अपने सारे केज वगैरह हमारे लगा देने हैं, यहाँ पे गोट फार्म बना देंगे, ये सारे केज बन जाएंगे और फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने अगला काम जो करना है बर्ड्स लेके आना है। वो आया नहीं लकड़ी वाले? अभी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि वो 10 मिनट में ना यहाँ पहुँच जाएंगे। चलो माल्टा खाओ यार। तो यार अब आपको यकीन हो गया होगा कि हमारा सारा काम स्टार्ट हो गया। ओली भाई अभी लकड़ी वाला आ गया, लकड़ी वाला आ भी गया मेरे ख्याल में, वो देखो। हाँ ये देखो भाई लकड़ी वाला, ये हमारा सारा सामान आ गया, ये केज का सारा सामान है, अब ये सारा कुछ यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो अभी हम जाके इसको पहले सारे सामान को अनलोड करवाते हैं। तो यार ये देखो सारे सामान की अनलोडिंग हो रही है, अभी भाई अंदर से बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सारे जमा करते जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे होगा फिटिंग का काम सारा। भाई ये अभी फिक्स करेंगे? हाँ ये अभी पहले अनलोड करके ना उसके बाद सारा फिक्स करेंगे। यार अभी तक सामान आ रहा है, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना सारा सामान अभी अंदर आ चुका है, और अभी और भी आ रहा है, ये देखो इतना सारा अंदर आ चुका है और अभी वो भाई और लेके आ रहे हैं। तो यार ये अभी ना ये देख रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे आना है, उस हिसाब से फिर ये लगाएंगे। अभी ये अपनी सारी मतलब पेमाइशें वगैरह देख रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लगाना है, तो ये उस हिसाब से सारा कुछ फिर सेट करेंगे। तो यार ये देखो अभी आपको एक लग गया, अभी ना इन्होंने बस अभी अड़ा के देखा कि मतलब देखेंगे किस तरह की फिटिंग वगैरह, तो ये इस तरह की लुक आ रही है। अभी इसकी छत भी नहीं लगी और दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं लगा, अब ये दूसरे वाले को बना रहे हैं, उसकी सारी मतलब फिटिंग वगैरह कर रहे हैं। यार ये वाले जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो दरवाजे बनाए हैं, एक इस केज के लिए है और एक इस केज के लिए दरवाजे हैं। अभी ये इसके अंदर ना बहुत खुली जगह है, अभी मैं अंदर जा नहीं सकता, फिर मैं आपको बाद में लग जाएंगे ना फिर जाके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे कितनी खुली जगह है। ये देखो यार कितनी स्पीड से 3-4-5 पता नहीं कितने बंदे लगे हुए हैं, ये भाई ये सारे जल्दी जल्दी इनको मैंने कहा था कि आज इन्होंने फिनिश करके देना, ये भाई इतने सारे बंदे ले आए हैं, सारे लग गए हैं काम पे बिल्कुल। ये देखो किस तरह इन्होंने ठा फा लगाई है, ये देखो 1-2-3-4-5-6 पता नहीं 6-7 बंदे हैं। यार मैं अभी ना आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, यहाँ से ये गेट होगा इसका, ये वाला ना, यहाँ से हम आराम से, ये देखो कितना आराम से अंदर आ जाना है। और ये एक जो हमारा छोटे वाला था ना, वो भी देखो अब कितना खुला है, ये देखो बिल्कुल अंदर खुली ढुली जगह, हमारे पैरेट्स आराम से ब्रीडिंग करें, जो मर्जी करें,
बिल्कुल खुली डुली, इनको कोई मसला नहीं होगा, अपना आराम से उड़ भी सकते हैं, मतलब उनका दिल कर। नीचे कितनी प्यारी जगह बनी हुई है, खुली डुली, मिट्टी शिट्टी डली है वी आई पी। यहाँ पे इनके नेस्टिंग बॉक्स लग जाएंगे ये पूरी दीवार पे, और मैंने जो सोचा हुआ है ना कि इस दीवार का हम कलर भी चेंज कराएंगे, उस दीवार का कलर भी चेंज कराएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा पिंजरे वाला काम था ये फाइनली हो रहा है, देख सकते हैं आप कैसे मजदूर भाई लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आज मुकम्मल हो जाएगा। और यार ये रोड फार्म का मुझे समझाओ कि इसका क्या सीन था जो ये बनवाई है। यार इसमें हम घोड़े रखेंगे यार, देखना तो सही, जब ये बन जाएगा फिर। लेकिन ये अभी ये तो पूरी नहीं है, लकड़ियां अभी वो रहती हैं लकड़ी। यार वो बनवानी है, वो देखो वहाँ पर पड़ी है, देख सकते। तो यार अभी ना तकरीबन हमारा 50% काम हो गया, अभी इन्होंने ना मतलब आरजी कील लगा के ना हमें दिखा दिया कि इस तरह होगा। अब ये इसको पक्का करेंगे, इसको ना मतलब मजबूती से इसके कील लगाएंगे सारे, और फिर इसकी छतें रखेंगे, फिर हमारा काम जाके ये वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद बोर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। तो यार अभी ना ये इन्होंने काम फाइनल कर दिया, और अब ना ये छतों पे चले गए, छतें लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये पहली छत लगेगी, उसके बाद यहाँ पे दूसरी छत लगेगी, और उसके बाद इस जगह की छतें लगेंगी। यार जो ये जो दरवाजा है ना, हमने इनको कहा था कि ये वाला दरवाजा जो इधर लगा है ना वो लगाना था आपने इधर। हाँ यार ये तो बताओ यार ये छतें कैसे ऊपर खड़ी होंगी, ये इसके ऊपर कील शील मार के फिट करके सब कुछ करके फिर जाएंगे। अच्छा। और एक मसला पता क्या हुआ है, क्या, क्या? जो ये इन्होंने ना इस पिंजरे का दरवाजा रख दिया यहाँ पे, हमने इनको कहा था ये वाला दरवाजा रखना है आपने वहाँ पे, यार ये तो इन्होंने गलत करा, और ये इन्होंने गलती की यार, भूल गए पता नहीं जो कुछ भी हुआ, अभी हो गए यहाँ पे फिक्स, और अभी यहाँ से हट भी नहीं सकता, और ये गलती होगी हमारे से। यार अभी ना एक जो हमारा केस था ना पहले वाला, उसकी दोनों छतें लग गई, मतलब एक छत के ना इन्होंने दो दो पोर्शन बनाए हुए थे, वो दोनों पोर्शन लगा दिए, अभी ये दूसरा थोड़ा सा रह गया उसको फिट कर रहे हैं। और ये देखो इतने सारे बच्चे और हर कोई अंदर आ गया है देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। और इन्होंने ना काम बहुत स्पीड से किया हुआ है, मतलब ये देखो कितने कितने सारे बंदे लगे हुए हैं, दो अंदर लगे हुए हैं और एक दो ऊपर। मैंने इनको कहा था कि ना हमें आज आपने फाइनल करके देना है, और ये देखो भाई ने वाकई में आज हमें फाइनल करके देना। ऊपर रात हो चुकी है, फुल अंधेरा हो चुका है, मतलब बिल्कुल। अभी ना छत लगाने के बाद ना अब ये वाले को पहले इन्होंने कहा हम फाइनल कर लेते हैं, इसका ना अब दरवाजा लगा रहे हैं, इसका दरवाजा लग जाएगा, छत भी लग गया सारा, बाकी सारा ओके हो गया। उसके बाद इस पे आएंगे, फिर ये वाला काम करेंगे, अब इसका दरवाजा लगा रहे हैं। तो यार अभी ना एक ये वाला केज भी कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन फुल कंप्लीट हो चुका है, और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, उसका बस आखिरी लास्ट गेट लगाना रह गया, ये वाला गेट लग जाएगा। उसके बाद इसकी भी मतलब छत छत सारा कुछ डाल गया, इसका भी छत डाल दिया और गेट शेट लग गया, सारा कुछ हो गया। अभी मैं आपको ना ये गेट लगा लेते हैं, फिर ना अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या सीन है। यार यहाँ पे ना अभी ना सुराख वगैरह रह गए थे जो इन्होंने दीवार के साथ केज लगाया ना, तो मैंने इनको कहा इन्होंने ना यहाँ पे फटियाँ लगा दी, अब यहाँ से हमारा कोई बर्ड्स वगैरह मतलब कोई चीज़ भी ना बाहर नहीं जा सकती। पहले ना सुराख रह गए थे तो वहाँ से हमारी चीज़ें बाहर निकल सकती थी, अब ये बाहर से वो सारा कुछ कर रहे हैं। यार वो वाला काम तो तकरीबन अभी कंप्लीट होने वाला है, दो तीन भाई वो वाला काम कर रहे हैं, और इन्होंने अभी ये वाला काम भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि गोट फार्म वगैरह और मतलब हमारा कोई घोड़ा वगैरह जो चीज़ भी आएगी उसके लिए भी हमने ये लकड़ियाँ बनवाई थी, तो अभी ये काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी इसकी ना इन्होंने अभी ऐसे रख के देख रहे हैं कि ना किस तरह मतलब इन्होंने सेट करना है, उसके बाद ये फिर फिक्स कर देंगे इसको भी सारा। यार ये भी इसके भी अभी ना भाई दरवाजे लगा रहे हैं, इसके दो दरवाजे लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा दरवाजा और एक यहाँ पे लगेगा। ये तो अभी इन्होंने तकरीबन फाइनल कर दिया, अभी ना इसके अंदर जो थोड़े बहुत नुक्स हैं वो अभी ये सेट करेंगे, और जो ये हमारे डॉग हाउस है ना इनके भी अभी दरवाजे लग रहे हैं, एक इसका दरवाजा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद इसका दरवाजा लगेगा। और यार जो इस डॉग हाउस का गेट था ना इस पर भी मैंने ना इनसे कुंडी लगवा ली, अब यहाँ से हम आराम से कुंडी खोल के ये बस अब इसकी छत रह गई है और बस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसका ना खिड़की बनवानी है एक छोटी सी ना, और बाकी काम भी सारा कंप्लीट हो गया। तो यार अभी ना रात हो चुकी है और ये भाई ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, ये सारा काम करके चले गए हैं। अब मैं आपको ना सुबह दिखाऊँगा कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है, मतलब सुबह दिखाऊँगा कि क्या क्या हमने रात को काम करवाया है। तो यार रात उस वक्त ज़्यादा हो गई थी और वो भाई सारा काम करके ना चले गए थे, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उन्होंने ना कैसा रात को सारा काम हुआ। तो यार ये देखो ये हमारे रात को केज लगे थे, अब आपको दिन की रोशनी में ना सारा कुछ सही नज़र आ रहा होगा। एक दरवाज़ा इसका यहाँ पे है और इस वाले केज का दरवाज़ा वहाँ पे है, और इनके भी सारों के दरवाजे लग गए थे। और ये जो लकड़ियाँ थी ना ये इन्होंने ना मतलब इसके पाँव लगाए हुए हैं यहाँ पे ऐसे रखी हुई हैं, तो ये अभी टेढ़ी फेढ़ी हैं, इनको ना असीब वहाँ पे ना फिक्स कर रहा है, आज हम अभी ये भी फिक्स हो जाएंगी।
तो यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसे लगे हमारे केज वगैरह, ये सारा कुछ जो भी हमने बनवाया है कैसा लगा। तो यार उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।